नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज आया हूं मैं कमल जी आंजना के बगीचे में, जहां हम सीताफल की खेती के बारे में इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई किसान भाई सीताफल की खेती करता है तो उसे कितना मुनाफा हो जाता है और कितनी लागत सीताफल की खेती करने में आती है। तो सर कमल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्ते जी सभी को। तो सर बताइए, सीताफल की खेती कितने टाइम से कर रहे हैं आप? जी जो बालानगर वैरायटी है और ये, इसको मैंने 5 साल पूरे हो गए बुवाई कर की थी। अच्छा, 5 साल से आप खेती कर रहे हैं, तो फल लगने कब से शुरू हो गए थे? 4 साल से, पिछले साल से लगने शुरू हो गए थे। अच्छा, तो पिछले साल से मतलब कितना उत्पादन हो गया था? जी उत्पादन तो लगभग, ये 4 बीघे का बगीचा है और कुछ आधे तो व्यापारी को दिए थे। व्यापारी को देने के बाद में जब मैं मंडी ले गया तो वहाँ अच्छा भाव मिला, तो फिर मैं मंडी ले गया, लगभग 1,50,000 रुपये 4 बीघे के हुए थे। मतलब जब से, मतलब 4 साल आपको मतलब 1.5 लाख के आसपास टोटल मुनाफा हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। अगर इसमें लागत की बात की जाए तो कितनी लागत आ जाती है? जब बगीचा लगाते हैं तब, बगीचा लगाते हैं तब तो ये मैं सरकारी नर्सरी से पौधे लेकर के आया था, बालानगर जिस वेरायटी को बोलते हैं जी, मैं वहाँ से 15 रुपये प्रति पौधे में लेकर के आया था। और ये 1 बीघे में जो 25 आरी का हमारा बीघा है उसमें 10x10 पे 270 पौधे लगे हैं। 270 पौधे लगे हैं, यानी 25 रुपये। मतलब नर्सरी तो आप सस्ती ले गया है, मतलब सरकारी नर्सरी से मिल गया, सस्ते मिल गया। हाँ सस्ते। तो आपने जैसे पिछले साल उत्पादन लिया, एक पौधे से अधिकतम कितना उत्पादन मिल गया होगा? जैसे हर पौधे पे समान फल नहीं लगते हैं, तो अधिकतम जैसे एक पौधे पे किसी क्विंटल आया, 50 किलो आया, मतलब अधिकतम कितना तक हो सकता है? अधिकतम जी पिछली बार तो क्या, 4 साल का तो मतलब फसल शुरू ही हुई थी, तो एक पौधे से लगभग 10 या 15 किलो मतलब अधिकतम फल आया था। और इस बार संभावना लग रही है कि एक पौधे से लगभग 20-25 किलो हाईएस्ट आ जाएंगे। मतलब 20-25 किलो आप उम्मीद कर रहे हैं, कितने तो लग ही जाएंगे? लग ही जाएंगे बिल्कुल, जो आप देख ही रहे हो फल लग रहे हैं अभी। मार्केट में क्या रेट बिक जाते हैं ये? मार्केट में पिछली बार जो है हाईएस्ट गए थे 107 रुपये और नीचे गए थे 50-60 रुपये। मतलब कम से कम 50 रुपये किलो से कम तो सीताफल बिकते नहीं है। वैसे मैंने जहाँ तक देखा और सुना है कि सीताफल की खेती के लिए पथरीली जमीन काफी उपयुक्त रहती है, तो आपने ये खेती आपकी उपजाऊ जमीन में की, जहाँ मतलब नॉर्मल एग्रीकल्चर की कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ आपको सीताफल लगाने का विचार कैसे आया? जी एक दो बगीचे मैंने देखे थे तो उन्होंने उपजाऊ जमीन में लगा रखी है, उन्हीं को देख करके मैंने लगाया। पर मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि जो मेरी कमजोर जमीन है उधर उधर पौधे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और पैदावार भी अच्छी है, और जो उपजाऊ जमीन है जहाँ गेहूँ लहसुन आदि काफ़ी अच्छी होती थी वहाँ पर अभी सीताफल के पौधे थोड़े कमजोर चल रहे हैं। मतलब कहा जाता है ना, पहाड़ी क्षेत्र की खेती है तो मतलब पहाड़ों में ही हो सकती है। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो सीताफल की खेती में नॉर्मल वैसे तो बीमारी आती नहीं है, तो इसमें अभी तक आपने कोई किसी विशेष प्रकार की कोई बीमारी देखी है? हाँ बिल्कुल, एक बीमारी आई थी अभी, जो टहनिया मैंने तुड़वा करके गर्मी में हटा दी थी, तो उसमें इतना बड़ा कीड़ा जो टहनी को खा रहा था उसको मैंने हटा दिया, पर फिलहाल अभी बारिश के मौसम में वो बीमारी नहीं है। नहीं, बाकी जैसे कोई फ्लावर गिर जाए वैसा इस टाइप से कुछ तो और बीमारी तो नहीं आती? बस इस बगीचे में विशेष पानी की वो ध्यान रखना होता है, इसको पिलाना गर्मी में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, अगर पिला देते हैं तो फसल ही नहीं आती है। गर्मी बिल्कुल पानी नहीं चाहिए? बिल्कुल पानी, तो पानी कब चाहिए इनको? पानी जब शुरू के 2 साल होते हैं उसमें बढ़वार पौधे को बड़े करने के लिए पानी चाहिए, और उसके बाद में अगर हम अगेती फसल अगर लेना चाहें, अच्छा भाव लेना चाहें, तो जैसे जिस समय जूना पानी की, जो हम पुराने पानी की जो फसल बोते हैं अगेती किस्म की, उस समय जो अमरूद को पिलाते हैं उस समय अगर पिला देते हैं तो अच्छे भाव मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी आपको सीताफल की खेती से क्या लगा कि मतलब अन्य किसान भाइयों को सीताफल की खेती करनी चाहिए या फिर कोई अन्य प्रकार की बागवानी करनी चाहिए? जी मेरा तो सभी किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि पारंपरिक खेती छोड़िए, कुछ भी नहीं होगा, मतलब और मतलब चड्डी बनियान भी पॉसिबल नहीं है उस खेती से। और अगर बगीचा आप लगाओगे तो कुल मिलाकर के अगर कम मेहनत भी करेंगे, अगर कुछ भी मेहनत, अगर बुवाई करने के बाद खरपतवार हटाते रहेंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे, तो भी हमें जो पारंपरिक खेती उससे ज़्यादा ही मिलेगा। नहीं लेकिन जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ आपने ये अमरूद लगा रखे हैं, तो आप सीताफल की खेती से संतुष्ट नहीं है इसलिए लगाए हैं या फिर मिक्स क्रॉप के हिसाब से कराए? मिक्स क्रॉप के हिसाब से कराए मैंने, और ये सघन बागवानी कुछ स्पेस बीच में दिख रहा है तो मैंने ये बुवाई अमरूद की कर दी है,
क्योंकि मैंने अमरूद का बगीचा 4 बीघे का आप देख रहे हैं लगा रखा है। हाँ, तो पीछे दिख रहा है। हाँ। उसमें काफी अच्छी 2 साल में मतलब बहुत ही 2-2 कैरेट फल एक एक पौधे पे मुझे दिख रहा है अभी। अच्छा अच्छा। और काफी अच्छी भविष्य उसका उज्जवल लग रहा है, इसलिए मैंने ये गैप देख करके सघन बागवानी के हिसाब से अमरूद की बुवाई कर दी। क्योंकि जो खाली पड़ी जमीन उसका इस्तेमाल करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेकार पड़ी तो उसे अच्छा उत्पादन ले लें कोई। सही, उसी हिसाब से मैंने अमरूद की बुवाई की। तो जैसे कमल जी, अभी आपने बताया था कि मैंने पिछली बार मंडी में भी बेचा था और किसी व्यापारी को सीधा भी दिया था, तो जो कोई किसान भाई अभी खेती कर रहा है, करना चाहता है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? आप लोकल मंडियों में सेल करना चाहिए या सीधा किसी व्यापारी कॉन्टेक्ट बेस पे बेच देना चाहिए बगीचा? जी मतलब अभी 3-4 व्यापारी देख करके भी गए हैं, तो पिछली बार भी एक व्यापारी को मैंने दिया था और अभी व्यापारियों की मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, तो इस बार ये संभावना लग रही है कि मैं मंडी की बनिस्पत व्यापारी यहीं से तोल करके ले जाएंगे, ऐसी मुझे संभावना लग रही है। नहीं, उसमें मतलब फायदा लगता है या नुकसान? मतलब क्योंकि अगर वो व्यापारी ले जा रहा है वो भी तो मार्जिन कमाएगा, अगर हम सीधा मंडी जाके बेचते तो हो सकता है 2 रुपए भाव ज्यादा मिल जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा तो लॉस होता ही है, पर मतलब एक तो जाना आना वगैरह वो हमारा वो ठीक हो जाता है। जैसे अभी हम चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा तहसील के मरजीवी गाँव में है, तो अब लोकल मार्केट में जैसे कि बिक जाता है या फिर बाहर दिल्ली जयपुर अहमदाबाद वगैरह के भेजना पड़ता है? जी, बालानगर वेरायटी जो है निमच में मंडी लगती है इसकी, और वहाँ पर एक दो किसान और भी लाते हैं, तो निमच में लगभग भाव अच्छा मिल जाता है। बाकी जो NMK 1 के बगीचे लोग लग रहे हैं उनका स्थानीय मार्केट में कोई भाव नहीं मिलेगा, कम भाव मिलेगा मेरा यूँ कहना है, बाकी उनको अच्छा भाव तो दिल्ली भेजना पड़ेगा उनको। क्यों, जैसे VNR अमरूद में लोकल मार्केट में नहीं बिकता, उसको बाहर के मार्केट में भेजना पड़ता, उसी टाइप की वैरायटी होगी? बिल्कुल, VNR अमरूद और NMK 1 सीताफल, इनको दिल्ली या अहमदाबाद या उदयपुर महानगरों में ही बेचना होता है। तो कमल जी, जैसे आपके सीधा मंडियों में बेच रहे हैं, बहुत से किसान मैंने सुना है देखा है कि पल्ब निकाल के भी बेचते हैं बाजार में, तो वो आपको उचित नहीं लगा क्या? बिल्कुल, इस बार जो है जो सीताफल रिसर्च सेंटर उदयपुर के जो अधिकारी हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ है, तो इस बार उनसे पल्ब की जानकारी मैंने ली थी, और वाडीलाल फैक्ट्रियां जो हैं जैसे सिरोही में है और बिलवाड़ा साइड में भी सुनने में आया है, तो अभी जो उदयपुर साइड में जो सरकारी मतलब जो भी अधिकारी हैं जो भी उनको ठेके पे लेते हैं सीताफल को और पल्ब निकालते हैं, तो मैंने उनसे जानकारी ली सीताफल रिसर्च सेंटर चित्तौड़गढ़ से, तो उन्होंने बताया कि 5 किलो सीताफल और या अच्छे हों तो 4 किलो से 1 किलो पल्ब निकलता है, जिसकी रेट 375 रुपये हाईएस्ट है और लगभग 300 रुपये मिनिमम जो मशीन से निकालते हैं उसकी 300 रुपये है, और जो हाथों से निकालते हैं उसकी लगभग 400 के लगभग रेट है उसकी। लेकिन अभी आपने बताया था अगर 100 रुपए किलो ज्यादा वैसे नॉर्मल मार्केट में सीताफल ही बेच चुके थे, अगर 100 से ज्यादा का भाव रहता तो पल्ब निकालना मेरे हिसाब से फिर भी महंगा हो जाएगा आपको, क्योंकि उसकी लागत अलग से आएगी। 100 रुपए तो हाईएस्ट जाते हैं, जैसे औसत हम देखें तो लगभग 50-60 जाते हैं। अगर 50-60 जाता है तो फिर उसमें डबल मुनाफा हो रहा है, वो करना बेटर है। हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और सीताफल की खेती के बारे में किसान भाइयों को जितने भी डाउट थे आपने क्लियर कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और सीताफल की खेती के बारे में आपका क्या सोचना है इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।